अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम आल्सो फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जनरल सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स। जनरल सेट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट को हम लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। बेसिकली जितनी भी सर्जरीज होती हैं, मेजर, माइनर या जितने भी सर्जरीज हो रही होती है राउंड अबाउट, उन सब में जनरल सेट यूज़ हो रहा होता है, मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। सो आई जस्ट डिसाइड कि जनरल सेट के इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया जाए। सो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन इज़ द बैकस टावल क्लैंप। आप इनको टावल क्लैंप्स भी जस्ट कह सकते हैं। क्लैंप्स जो होते हैं इनकी पॉइंटेड शार्प टिप्स होती हैं, लाइक दिस। इस तरह इसकी शार्प टिप्स होती हैं। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ग्रैस्पिंग द टिश्यू। दे आर परफोरेटिंग क्लैंप्स, सो दे आर यूज फॉर ग्रैस्पिंग द टिश्यूज, फॉर सिक्योरिंग द टावल्स और ड्रेप्स, एंड फॉर होल्डिंग और रिड्यूसिंग द स्मॉल बोन फ्रैक्चर्स। बेसिकली फिक्स करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ट्यूबिंग्स को फिक्स करने के लिए, वायर्स को ड्रेप्स के साथ फिक्स करने के लिए। सो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज रैपले स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। ये स्पंज को होल्ड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। Like they are the forceps generally used for holding the swabs for cleaning operating areas, cavities and packing. Can also be used to hold and manipulate tissue during procedures. Like ये इस तरह का होता है, इससे हम यूज़ करते हैं स्पंज को होल्ड करने के लिए। जब भी कोई प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं या जब भी कोई सर्जरी स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एरिया को क्लीन करना होता है विद पायोडीन, तो हम स्पंज के साथ उसको क्लीन करते हैं। सो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप इज़ यूज्ड टू होल्ड द स्पंज बेसिकली, एंड दे आर यूज टू होल्ड द फंडस एंड हार्टमैन्स पाउच ड्यूरिंग कोलीसिस्टेक्टमी, यानी कि ऑर्गन्स को भी, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको भी होल्ड करता है। फॉर रिमूविंग लैमिनेटेड मेम्ब्रेन एंड डॉटर सिस्ट फ्रॉम हाइड्रेटेड सिस्ट, एंड देर यूज फॉर क्लींजिंग द स्किन विद स्वैब। ओके, नेक्स्ट इज नंबर थर्ड इज बीपी हैंडल नंबर थ्री। बीपी हैंडल नंबर थ्री का यूज़ क्या है? दिस इज़ अ रीयूजबल फ्लैट हैंडल इंटेंडेड फॉर कम्बाइंड यूज विद सर्जिकल ब्लेड्स ऑफ वेरिंग शेप्स एंड साइजेस। जो बीपी हैंडल्स होते हैं इनको हम इंसिजन देने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स के ही होते हैं। द सेफ्टी हैंडल इज डिज़ाइन फॉर यूज विद अ कन्वेंशनल ब्लेड एंड फीचर्स अ प्रोटेक्टिव शीट टू मिनिमाइज रिस्क टू द सर्जन एंड असिस्ट वाइल पासिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लाइक ये इसकी इस तरह का ये होता है, इसमें डिफरेंट नंबर होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट शेप्स। ये नंबर थ्री ब्लेड है। दे आर डिज़ाइन फॉर राइट हैंडेड सर्जन्स एंड थ्री एल इज अवेलेबल फॉर दोज हु आर लेफ्ट हैंडेड। सो राइट हैंडेड सर्जन्स के लिए अलग से होता है, और लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड दोनों के लिए अलग अलग से होता है, सेपरेटली। दिस हैंडल हैज़ सिमिलर वेट एंड बैलेंस टू द स्टैंडर्ड बार्ड पार्कर हैंडल विद ईजी वन स्टेप ब्लेड रिमूवल। स्किन इंसिजन सच एज दोज रिक्वायर्ड इन ब्रोप्लास्टी एंड ब्लेफरोप्लास्टी आर क्रिएटेड विद दिस हैंडल एंड अ नंबर 15 बार्ड पार्कर ब्लेड अलाउज फॉर अ प्रिसाइज स्किन सेपरेशन। नंबर 11 ब्लेड इज यूज ऑन दिस हैंडल फॉर पेनिट्रेटिंग इंसिजन सच एज फॉर इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ द एब्सेसेस और चेलेसियन। लाइक इस ब्लेड के ऊपर बीपी हैंडल नंबर थ्री है, इस पे हम ब्लेड्स लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नंबर 11 ब्लेड भी इसके ऊपर लग जाता है, मतलब कि हैंडल्स के साथ हम ब्लेड्स को लगा भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। सो डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ होता है बीपी हैंडल नंबर थ्री, भी जनरल सेट के इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। देन हमारे पास होता है बीपी हैंडल नंबर फोर। दे आर यूज फॉर स्किन इंसिजन बेसिकली इन बोथ कार्डियक एंड थोरेसिक सर्जरी। स्किन पे इंसिजन देने के लिए यूज होता है, एंड टू कट द ब्रोंकस इन लंग रिसेक्शन सर्जरी। सो दे आर यूज फॉर डीप कट्स एंड स्क्रैपिंग। डीप कट्स के लिए हम बीपी हैंडल नंबर फोर यूज करते हैं। जनरल सर्जरी में यूज होता है, ऑर्थोपेडिक में भी यूज होता है। लॉन्ग इंसीजंस देने हैं, डीप इंसीजंस देने हैं, उसमें यूज होता है। फॉर कॉर्नर कट्स, ट्रिमिंग, स्ट्रिपिंग इन कटिंग मैट्स एंड गैस्केट्स। सो ये है बीपी हैंडल नंबर फोर। नेक्स्ट होता है जनरल सेट के इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास होती है स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स। दे आर यूज एज अ हीमोस्टैट। ओके, ब्लड को स्टॉप करवाने के लिए यूज होता है। दे आर यूज एज अ हीमोस्टैट। They are used as a pedicular clamp for spleen and kidney.
दे आर यूज टू क्रश द बेस ऑफ अपेंडिक्स ड्यूरिंग अपेंडिसेक्टमी, यानी कि ब्लड को स्टॉप करवाने के लिए जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है वहाँ पे हम स्ट्रेट आर्टरी फोर्स अप्लाई कर देते हैं. लाइक हीमोस्टैट का मतलब यह है कि ब्लड को स्टॉप करवाने के लिए. ओके, अपेंडेक्टमी में भी यूज़ होता है जहाँ से हमने अपेंडिक्स को रिमूव करना होता है तो उसकी बेस को क्रश करने के लिए यूज़ होता है. टू होल्ड द नीडल्स फॉर सूचरिंग एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर नीडल होल्डर, नीडल होल्डर की जगह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. दे आर यूज टू होल्ड कट एजेस ऑफ फेशिया. देर आर लॉट ऑफ यूजेस ऑफ स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स. इस तरह की होती है स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स. दे आर प्राइमरली यूज एज अ हीमोस्टेटिक फोर्सेप टू ग्रास्प वेसल्स एंड अलाउ लाइगेशन ऑफ दोज वेसल्स. दे वेरी इन साइज फॉर यूज ऑन फाइन डेलिकेट वेसल्स टू लार्ज वेसिकुलर पेडिकल्स. सो इनमें भी साइजेस होते हैं, ये स्मॉल भी होती हैं, मीडियम भी होती हैं, लार्ज भी होती हैं, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स. नेक्स्ट हमारे पास है कोकर्स आर्टरी फोर्सेप. दे आर यूज टू होल्ड द गॉस पिलेट्स फॉर ब्लंट डायसेक्शन. दे आर यूज टू कैच होल्ड ऑफ परफोरेटिंग वेसल्स इन रेडिकल मैस्टेक्टमी. दे आर यूज टू होल्ड द सुपरफिशियल थायरॉयड वेसल्स, द ओरिजिनल यूज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. जो सुपरफिशियल थायरॉयड वेसल होती है उसको होल्ड करता है कोकर, ये इसका ओरिजिनल यूज है. बाकी भी और भी काफ़ी जगह पर यूज होता है बट दिस इज इट्स ओरिजिनल यूज. नेक्स्ट टू होल्ड द रिब ड्यूरिंग रिब रिसेक्शन, मीन्स के कोकर फोर्सेप जो है ये थिक जो हमारी लाइक ऑर्गन्स होते हैं जो इस तरह के होते हैं कि सॉफ्ट नहीं होते यू कैन से, उनके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं. लाइक रिब्स हार्ड होती हैं बिकॉज कोकर जो होता है ये बहुत शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, क्रशिंग होता है, इसलिए हम इसको सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, ये उनको क्रश कर देता है. This is a curved tooth screw crushing and this is used to hold tough structures, you can say strap muscles, thyroidectomy, base of appendix को भी crush करता है, vascular bands और like this, जितने भी हमारे tough structures होते हैं हम उनके ऊपर इसको apply कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एलिस टिश्यू फोर्सेप. एलिस का यूज़ है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेसिकली एलिस फोर्सेप और एलिस टिश्यू फोर्सेप. इट्स कॉमनली यूज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. एलिस क्लैम्प इज अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद शार्प टीथ एंड यूज टू होल्ड और ग्रेस्प हैवी टिश्यू. एलिस के भी शार्प टीथ्स होते हैं, ये भी हम जो हैवी टिश्यूज होते हैं ना, बल्कि टिश्यूज यू कैन से, उनको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू ग्रेस्प फेशिया एंड सॉफ्ट टिश्यूज सच एज ब्रेस्ट और बाउल टिश्यू. एलिस क्लैम्प्स कैन कोज डैमेज सो दे आर ऑफन यूज इन टिश्यू अबाउट टू बी रिमूव्ड. एलिस भी बहुत ज़्यादा क्रशिंग होता है, जिन टिश्यूज़ को रिमूव करना होता है हम उन पर एलिस को अप्लाई करते हैं, ये भी सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई नहीं करते. ओके, नेक्स्ट इज When used to grasp the cervix to stabilize the uterus, such as when an intrauterine device is being inserted, an Alice clamp has the advantage of causing less bleeding than the more commonly used tenaculum. ये है हमारे पास Alice clamp, Alice tissue forceps और Thoms Alice tissue forceps. इस तरह का होता है, crushing होता है, जिसकी वजह से like this. यहाँ पर इसकी जो है ना एक clear view आपको show हो रहा होगा. दिस इज क्रशिंग, इसलिए हम इसको टफ स्ट्रक्चर्स पे ही अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज लेन टिश्यू फोर्सेप्स. लेन टिश्यू फोर्सेप इज अ टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप एंड इट इज यूज टू होल्ड द टफ बल्की टिश्यू फॉर स्किन एपोजिशन एंड फॉर होल्डिंग लिम्फ नोड फॉर बायोप्सी और अपेंडिक्स इन अपेंडिसेक्टमी. इट इज यूज टू होल्ड द स्किन फॉर एपोजिशन. इट इज यूज टू होल्ड द सैक लाइनिंग फॉर एक्सीजन and it is used to hold the lymph node for lymph node biopsy, to hold the appendix along with mesoappendix during appendicectomy. The appendix is held between the blades, not the tip. Appendix को भी hold करने के लिए use करते हैं. इस तरह का होता है और इसकी shape की वजह से हम इसको bulky tissues को hold करने के लिए use करते हैं. Tip with interlocking teeth. ओके, ब्लेड्स आर कर्व्ड एंड स्टाउटर टिश्यू फोर्सेप्स. काफ़ी ये मतलब इसके ब्लेड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग. द ब्लेड्स आर फिनेस्ट्रेटेड ऑफ एंड हैंडल्स हैज कैचेस लाइक दिस. कैच लॉक मैकेनिज्म है इसके हैंडल्स में. दे आर यूज टू होल्ड द बल्की टिश्यूज एंड एज अ माइल्ड रिट्रैक्टर. रिट्रैक्शन भी प्रोवाइड करता है, ये टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स हैं, मतलब टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स में ये इंक्लूड होता है.
नेक्स्ट जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास होती है मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप्स। सिंगल यूज कर्व्ड हॉलस्टेड मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप यूज्ड एज अ रैचेट हीमोस्टैट टू सिक्योर एंड क्लैम्प ब्लीडिंग वेसल्स। जो ब्लीडिंग वेसल्स होती हैं उनको होल्ड करता है, सिक्योर करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। एज अ हीमोस्टैट इसको हम यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यूज टू ग्रेस्प डेलीकेट टिश्यूज। मैन्युफैक्चर फ्रॉम मेडिकल ग्रेड सर्जिकल स्टेनलेस स्टील। इट हैज़ पॉइंटेड टिप्स एंड यूज फॉर होल्डिंग द स्मॉल पॉइंटेड ब्लीडिंग साइट्स लाइक एज अ हीमोस्टैट। इट स्टॉप ब्लीडिंग बाई क्रशिंग द ब्लीडर एंड इट इज़ यूज टू होल्ड द गॉस पिलेट फॉर ब्लड डाइसेक्शन। लाइक इस तरह की होती है मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप और ये भी क्रशिंग होती है। इसको हम एज अ हीमोस्टैट भी यूज़ कर सकते हैं और ये नेचुरल मैकेनिज्म के तौर पर ब्लड को स्टॉप करवाती है, आर्टरीज को क्रश करती है और इस तरह से ब्लीडिंग को स्टॉप करवाती है। हमारा नेचुरल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है जैसे आर्टरीज क्रश होती हैं। नेक्स्ट इज टूथ फोर्सेप। टूथ फोर्सेप इज बेसिकली लाइक दिस। ये इस तरह का होता है। देयर प्राइमरी पर्पज इज टू ग्रैस्प रिट्रैक्ट और स्टेबलाइज द टिश्यू एंड दे मे ऑल्सो भी यूज टू पैक और एक्सट्रैक्ट स्पंजेस पास लाइगेजर्स एंड स्टेबलाइज एंड मैनिपुलेट नीडल्स ड्यूरिंग सूचरिंग। फोर्सेप्स आर कैटेगराइज बाय द प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ टीथ दैट आर डिजाइन फॉर देयर स्पेसिफिक टिश्यू दे आर इंटेंडेड टू होल्ड लाइक दिस। Use for grasping and holding the tissue, muscle or skin surrounding a wound. Single toothed on one side. इसमें एक साइड पे सिंगल टूथ होता है और एक साइड पे दो टूथ हैं, ठीक है, इसमें टीथ होते हैं। एंड दे आर यूज टू ग्रेस्प द टफ स्ट्रक्चर्स। सिंगल टूथ्ड ऑन वन साइड फिट्स बिटवीन टू टीथ ऑन द अदर साइड। ओके, ये इसके साइजेस हैं 1/2, 2/3 एंड 3/4। ये भी बेसिकली टफ स्ट्रक्चर्स को होल्ड करता है बिकॉज ऑफ इट्स टीथ और ये शार्प है। और एक चीज़ इसमें ये भी हम याद रखेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट शार्प होता है उसको हमने इस चीज़ से याद रखना है कि ये कोई ना कोई टफ स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा होगा। बाज़ औक़ात हम जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट की शेप देखते हैं तो हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन क्या होगा। सो हमें इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाना पड़ता है या बिठाना चाहिए कि एक इंस्ट्रूमेंट को आप गौर से देखें तब आपको पता चलेगा कि उसका फंक्शन, उसका यूज़ जो है वो क्या हो सकता है और किधर हो सकता है। नेक्स्ट इज प्लेन फोर्सेप। जैसे टूथ फोर्सेप था उसमें टीथ था, तो ये प्लेन फोर्सेप है तो नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कोई टीथ नहीं होगा। एंड इट इज़ यूज टू होल्ड द ब्लड वेजल्स नर्व्स ड्यूरिंग डाइसेक्शन। देर यूज टू होल्ड पेरिटोनियम ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ मिड लाइन और पैरामीडियन एब्डोमिनल इंसीजंस। दे आर यूज इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स टू होल्ड द डेलीकेट स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग सूचरिंग एंड यूज टू होल्ड द कंजंक्टिवा ड्यूरिंग एनी आई सर्जरी टू टाई द सूचरिंग। एंड दिस इज़ लाइक दिस के इसमें लाइक मैंने जैसे बताया कि ये प्लेन है, इसमें कोई टीथ नहीं है। एंड देर यूज टू होल्ड द टिश्यू इन प्लेन वैन अप्लाइंग सूचर। जब सूचर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो टिश्यूज़ को साथ साथ होल्ड करते जाते हैं स्किन को, तो हम प्लेन फोर्सेप्स या प्लेन थंब फोर्सेप्स भी हम इनको कह सकते हैं, यूज़ करते हैं। यूज टू जेंटली मूव टिश्यूज आउट ऑफ द वे ड्यूरिंग एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। यूज टू इंसर्ट पैकिंग इन टू और रिमूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डीप कैविटीज। नेक्स्ट इज एडसन टूथ फोर्सेप। एडसन फोर्सेप्स या एडसन टूथ फोर्सेप्स एट द टिप यूज फॉर हैंडलिंग डेंस टिश्यू सच एज इन स्किन क्लोजर्स, ऑल्सो कॉल्ड लॉकिंग फोर्सेप्स। दीज आर रैचेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू होल्ड द टिश्यू और ऑब्जेक्ट और प्रोवाइड हीमोस्टेसिस। नैरो टिप्स टू इफेक्टिवली ग्रिप एंड होल्ड डेलीकेट टिश्यू इन प्लेस एंड फ्लेक्सीबिलिटी अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोसीजर्स। ये इस तरह के होते हैं। दे आर एडसन फोर्सेप्स या एडसन आप इनको कह सकते हैं। इसके इधर सेंटर में करके एक टीथ होता है। दे आर यूज टू ग्रेस्प, मतलब इसकी ये इंडिकेशन है। और इसके टीथ बहुत ही ज़्यादा ये हमें नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे से होते हैं। टू ग्रेस्प सुपरफिशियल टिश्यू लाइक डर्मस, ऑल्सो नोन एज बनी फोर्सेप्स भी इनको कहते हैं। टूथ एडसन फोर्सेप्स भी इनको कहते हैं। इसमें इधर करके एक सेंटर में टीथ होता है जो कि इसको इंडिकेट करता है सिंपल प्लेन से और टूथ फोर्सेप से, तो इसलिए इनका नाम है एडसन टूथ फोर्सेप। एंड इसी तरह से एडसन प्लेन फोर्सेप भी हमारे पास है लाइक दिस। इस तरह ये है इसका सेंटर में टूथ जो कि इसको इंडिकेट करता है ये एडसन है या सिंपल प्लेन है। सो एडसन प्लेन फोर्सेप्स फाइन टिप्स होती हैं इनकी विद हॉरिजॉन्टल सिरेशंस यूज्ड फॉर होल्डिंग डेलिकेट टिश्यू लाइक पेरिटोनियम वेजल बाउल वॉल एट्सेट्रा।
यूज टू डायसेक्ट सॉफ्ट फ्राइबल टिश्यूज एंड यूज टू होल्ड द स्किन और फेस एंड कार्टिलेग फॉर सूचरिंग पर्पजेज. सूचरिंग पर्पजेज में स्किन को होल्ड करता है, सॉफ्ट टिश्यूज को, डेलिकेट टिश्यूज को होल्ड करने के लिए यूज होता है. डायसेक्टिंग फोर्सेप्स भी हम इनको कहते हैं. नोन टू थ्रेस फॉर होल्डिंग सॉफ्ट ट्राइबल टिश्यूज लाइक पेरिटोनियम, बाउल, नर्व्स एंड वेजल्स. और जो टूथ वेराइटी होती है एडिसन में, दे आर यूज फॉर होल्डिंग द टफ स्ट्रक्चर्स लाइक फेशिया और एपोन्यूरोसिस. टूथ से हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि ये कोई टफ टी फॉर टूथ, एंड टूथ ऑब्वियसली इज अ शार्प थिंग एंड इट इज़ यूज फॉर अ टफ स्ट्रक्चर. दे आर यूज टू स्टडी नीडल ड्यूरिंग सूचरिंग. ओके, नीडल को होल्ड करने के लिए भी यूज होता है सूचरिंग के दौरान. नेक्स्ट इज मायोसीजर. मायोसीजर्स हैव सेमी ब्लंट एंड्स एंड अ फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम मोस्ट अदर सर्जिकल सीजर्स. दिस इज अ सीजर बेसिकली. मेट्ज़ेनबॉम सीजर्स आर हाउ एवर सिमिलर इन दैट द एंड्स आर द सेम ऑन बोथ सीजर हॉब्स, बट इट्स हैंडल्स आर लॉन्गर एंड इट्स मिडल सेक्शन इज स्लाइटली नैरोअर. इसके हम डायग्राम देख लें कर्व्ड मायोसीजर्स की, दे आर लाइक दिस. ठीक है, ये है मायोसीजर्स. बोथ ब्लेड्स आर स्लाइटली कर्व्ड एंड ब्लंट एंडेड टिप्स. फंक्शन क्या है, यूज फॉर कटिंग द डीप हैवी और टफ टिश्यूज. ये कर्व्ड है, पहले हमने पढ़ी स्ट्रेट मायोसीजर्स, ये इस तरह की होती हैं और इनके अंदर कैच लॉक सिस्टम नहीं होता. आर्टरी फोर्सेप्स में और मायोसीजर्स में फर्क ही होता है, सीजर्स में और आर्टरी फोर्सेप्स में, दैट सीजर्स डू नॉट हैव अ कैच लॉक सिस्टम. कोई कैच लॉक सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आर्टरी फोर्सेप्स को देखें तो उनमें कैच लॉक सिस्टम होता है, वो यहाँ से लॉक हो जाती हैं. ओके, दिस इज अ स्ट्रेट मायोसीजर. बोथ ब्लेड्स आर स्ट्रेट एंड ब्लंट एंडेड टिप्स. लाइक इसके ब्लेड स्ट्रेट होंगे, ये स्ट्रेट भी होती हैं, कर्व्ड भी होती हैं, और इसी तरह से स्मॉल, मीडियम और लार्ज भी होती हैं. फंक्शन क्या है, सूचरिंग कटिंग सीजर्स नॉर्मली नॉट यूज ऑन टिश्यूज. सूचर कटिंग सीजर्स जो होती हैं वो टिश्यूज पे यूज नहीं होती हैं. सो टिश्यू, इसकी भी बहुत सी टाइप हैं. कुछ सूचर कटिंग होती हैं सीजर्स, कुछ नॉर्मल सीजर्स होती हैं जो सर्जरीज में यूज हो रही होती हैं, लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज. इनके भी नेम्स होते हैं. फर्दर इसकी भी हम टाइप्स देखेंगे कि सीजर्स की क्या टाइप्स होती हैं नेक्स्ट फर्दर अपने लेक्चर्स में. देन आता है हमारे पास जनरल सेट में एक इंस्ट्रूमेंट विच इज लेंजनबेक रिट्रैक्टर्स. लेंजनबेक रिट्रैक्टर्स आर स्मॉल सॉलिड ब्लेड एंड लॉन्ग हैंडल होता है. इनका ब्लेड छोटा सा होता है एंड दे कैन ऑल्सो भी डबल ब्लेडेड. सिंगल ब्लेड भी होता है और डबल ब्लेडेड भी होते हैं. सिंगल और डबल दोनों, मतलब आप एक को रिमूव भी कर सकते हैं ब्लेड को. यूज फॉर रिट्रैक्शन ऑफ स्किन एजेस और बिग वेजल्स एंड नर्व्स. They are used in operations like hernioplasty involving a lot of superficial dissection and retraction. इस तरह का होता है, एक स्मॉल ब्लेड होता है और इसका एक लॉन्ग हैंडल होता है, और ब्लेड जो होता है वो स्मॉल सॉलिड है. एंड रिट्रैक्शन के लिए बेसिकली स्किन के एजिस जो होते हैं उनको हम रिट्रैक्ट कर सकते हैं सुपरफिशली लेंजनबेक रिट्रैक्टर से. देन हमारे पास आता है बैबकॉक फोर्सेप्स. ये नॉन ट्रॉमेटाइजिंग टाइप टिश्यू फोर्सेप्स होते हैं, जो टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स होते हैं, बैबकॉक फोर्सेप, एंड देर नॉन ट्रॉमेटाइजिंग. मतलब कोई टीथ वगैरह नहीं है, टूथ्ड नहीं है, इसलिए नॉन ट्रॉमेटाइजिंग है. इट्स ब्लेड्स आर कर्व्ड एंड फिनेस्ट्रेटेड एंड द फिनेस्ट्रेशन मेक द इंस्ट्रूमेंट लाइट एंड डेलिकेट. दे आर यूज टू होल्ड सॉफ्ट एंड डेलिकेट टिश्यूज. देर लाइक दिस, इस तरह का होते हैं बैबकॉक. इसके कोई ब्लेड्स नहीं है, ये आगे से बिल्कुल प्लेन है, सॉफ्ट है, नॉन ट्रॉमेटाइजिंग है, टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है. बहुत इंपॉर्टेंट जनरल सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स में मौजूद होता है ये बैबकॉक फोर्सेप. दे आर यूज टू होल्ड फिलोपियन ट्यूब, यूरेटर, अपेंडिक्स. अपेंडिक्स को होल्ड करता है. इसका जो मेन यूज़ है बैबकॉक का, अक्सर MCQs भी आ रहे होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होता है वाइवाज में. वट इज़ द यूज़ ऑफ बैबकॉक? सो बेसिकली इट इज़ यूज टू होल्ड द अपेंडिक्स. उसके अलावा ये फिलोपियन ट्यूब को, यूरेटर को, गट वॉल को, एनकलोस्टमी एंड गैस्ट्रोस्टमी, एंड दे आर ऑल्सो यूज एज अ टेम्पररी हीमोस्टेट व्हेन ब्लीडर डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट. सो और भी बहुत से यूजेज हैं, बट द मेन यूज जो आपने याद रखना है वो है अपेंडिक्स को होल्ड करता है ये. नेक्स्ट इज यंकर सक्शन नोजल. दिस टूल इज यूज टू सक्शन ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एस्पायरेशन. इस तरह का होता है, इसको हम सक्शन पर्पजेस के लिए यूज करते हैं. And a yunker can also be used to clear operative sites during surgical procedures and its suctioned volume counted as blood loss during the surgery. जितना भी ये blood suck करता है, इसके जो suck किया हुआ blood है उसका volume हम check करते हैं, फिर हम count करते हैं कि कितना blood loss हुआ है surgery के दौरान. So it is used for basically suction purposes.
इट इज़ अ लॉन्ग बेंट इंस्ट्रूमेंट विद अ स्टाउट हैंडल, मतलब स्ट्रॉन्ग इसका एक हैंडल होता है। द टिप ऑफ द ट्यूब हैज़ अ राउंडेड ब्लंट कैप विद स्मॉल होल्स, दिस प्रिवेंट ट्रॉमा टू द डायसेक्शन फील्ड। द बेंट ट्यूब इनेबल्स द सर्जन टू विजुअलाइज द डायसेक्शन फील्ड बेटर। द मल्टीपल ओपनिंग्स इन द टिप ऑफ सक्शन ट्यूब विल फेसिलिटेट सक्शन इवन इफ द मेन ओपनिंग इज ब्लॉक्ड। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर ऑल ओरल एंड ओरोफेरिंजियल सर्जरीज इंक्लूड एडीनो टॉन्सिलेक्टमी बिसाइड्स मैक्सिलेक्टमी लेरेंजेक्टमी एंड अदर नेक सर्जरीज। नेक्स्ट इज सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर वो रिट्रैक्टर है जो कि ऑटोमेटिकली, मतलब खुद ही, हमें इसको पकड़ के नहीं रखना पड़ता, ये लॉन्ग सर्जरीज में यूज़ होता है, ये एडजस्ट हो जाता है विद देयर स्क्रूज एंड ऑल दीज थिंग्स, यूज्ड इन प्रोलॉन्ग्ड एब्डोमिनल सर्जरीज। बेसिकली दो तरह का होता है, इसकी टू टाइप्स हैं, स्क्रू एडजस्टेड टाइप्स एंड कैच लॉक रैक टाइप्स। ओके, लाइक दिस, दिस इज अ सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर यूज टू होल्ड वूंड्स ओपन। एबडोमिन को ये ओपन रखता है और सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है, और इसके अलावा ये हर्निया रिपेयर में और अपेंडेक्टमी में भी यूज़ होता है। इसको हम एडजस्ट कर देते हैं जितनी हमें रिट्रैक्शन चाहिए उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास नीडल होल्डर। नीडल होल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड अ नीडल ड्राइवर। इट इज अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू अ हेमोस्टैट यूज्ड बाय डॉक्टर्स एंड सर्जन्स टू होल्ड अ सूचरिंग नीडल। जो सूचरिंग नीडल होती है ना, हमारे पास नीडल होती है और फिर उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सूचर्स होते हैं, सूचर मटीरियल, सो ये उस नीडल को होल्ड करती है, नीडल होल्डर, फॉर क्लोजिंग द वूंड्स ड्यूरिंग सूचरिंग एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स। द पार्ट्स ऑफ अ सिंपल नीडल होल्डर आर द जॉज, द पॉइंट एंड द हैंडल, लाइक दिस। These are their jaws, these are the joint shanks, इसको हम कहते हैं, ये rings होती हैं इसकी, they are the ratchet, और इसको आप catch lock mechanism system भी कह सकते हैं। ये use करते हैं needles को hold करने के लिए, जो needle suturing material को hold करती है, उस needle को hold करती है needle holder। And most needle holders also have a clamp mechanism that locks the needle in place, allowing the user to maneuver the needle through various tissues like this। ये इसका catch lock system है, हम इससे needle को hold करते हैं और यहाँ से lock कर देते हैं, needle slip नहीं होती है, easily हम suturing material उसमें hold करके suturing कर सकते हैं skin को, to maintain a firm grip on the needle, and the jaws are often textured and short compared to the shank। नेक्स्ट इज डबल एज्ड क्यूरेट। अ क्यूरेट इज अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर स्क्रैपिंग और डीब्राइडिंग बायोलॉजिकल टिश्यू और डेब्रिस। ये होता है इस तरह का डबल एज्ड क्यूरेट। ओके, बेसिकली स्क्रैपिंग के लिए, डीब्राइडिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, एंड इन अ बायोप्सी एक्सीजन और क्लीनिंग प्रोसीजर। In form, the curette is a small hand tool, often similar in shape to a stylus. At the tip of the curette is a small scoop, hook or gouge. आप इसको small scoop कह सकते हैं, hook कह सकते हैं, gouge, whatever you can call it. Then आती है हमारे पास diathermy forceps. Okay, this is a plain diathermy forceps. इसको आप diathermy forceps भी कहते हैं. This is a टूथल टाइप ऑफ अ डायथर्मी फोर्सेप। ये भी जनरल सेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इंक्लूड होते हैं। देन मैकडोनल्ड डायसेक्टर। मैकडोनल्ड डायसेक्टर होता है इस तरह का। ओके, एंड इट इज़ यूज, मैकडोनल्ड डायसेक्टर इज यूज बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन टू डायसेक्ट और सेपरेट हार्ट टिश्यू लाइक पेरिओस्टियम एंड कार्टिलेज फ्रॉम लॉन्ग थिन बोन्स। बेसिकली ये सेपरेशन के लिए यूज करते हैं हम इसको। मैकडोनल्ड डायसेक्टर फीचर्स अ स्क्वेयर्ड हैंडल विद हॉरिजॉन्टल सिरेशंस टू इंश्योर कन्वीनियंट हैंड ग्रिप। मैकडोनल्ड डायसेक्टर हैज अ स्ट्रेट राउंड एंड ब्लंट ब्लेड एट वन साइड एंड अ कर्व्ड राउंड एंड ब्लंट ब्लेड एट द other side, which offers ease of heart tissue elevation. Next, इसके अलावा जो और हमारे पास जनरल सेट में इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसमें गैलीपोर्ट बाउल, किडनी ट्रे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, लाइक दिस, इस तरह के होते हैं। ठीक है, दिस इज अ किडनी ट्रे, दीज आर बाउल्स, एंड दिस इज अ गैलीपोर्ट, दिस इज अ बकेट। ये सारे मतलब वो एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि जनरल सेट के इंस्ट्रूमेंट्स में मौजूद होते हैं। दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट ट्रे जिसमें इंस्ट्रूमेंट सारे होल्ड करते हैं हम लोग, and all that।